फॉर अनदर बैल्कनी मेकओवर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, गर्मियां आ गई है और मैंने बैल्कनी में ढेर सारे फूल लगा लिए हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ तो मुझे बैल्कनी में ढेर सारे प्यारे प्यारे फूल तो दिखते हैं, पर जो बैल्कनी की दीवार है वो काफी खाली खाली दिखती है। तो आज मैंने सोचा कि उसको भी कलरफुल बनाया जाए, तो घर पे ही जो सामान है बस उसी को यूज करके मैं बैल्कनी का एक क्विक मेकओवर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, घर के अंदर से बैल्कनी की दीवार कुछ ऐसे खाली खाली दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ तो ये वाला व्यू मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं आपको एक बार बैल्कनी में चलकर दिखा दूं कि दीवार कैसा खाली दिख रहा है। ये देखिए, तो अभी इस दीवार पे थोड़ी सी जान डालेंगे और इसको कलरफुल बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मेरे को कुछ लेफ्ट ओवर चार्ट पेपर मिला। ये मैं दिवाली के टाइम में लाई थी डेकोर के लिए, तो उससे थोड़े से बच गए थे, तो अभी मैं इन्हीं चार्ट पेपर को यूज करूंगी। ये रहे मेरे पेंट एंड पेंट ब्रश। अभी यहाँ मैंने कुछ अपने पसंद के कोट्स लिख दिए हैं इन चार्ट पेपर्स में। तो पहले यहाँ पे मैं इसको पेंट कर दे रही हूँ। डन। अभी मैं इसको एक काइट की शेप में काट लूंगी। अभी ये काइट के लास्ट कॉर्नर में थोड़ा सा ग्लू लगाया और एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का चार्ट पेपर इस पे चिपका दिया। इसी तरह यहां मैंने दूसरा काइट भी बना दिया है। ये देखिए, दोनों तैयार। ये मेरे पास डबल टेप है, मैं इसको काइट के पीछे लगा दूंगी। डन। तो चलिए अब इसको दीवार पे चिपका देते हैं। डन। बचे हुए चार्ट पेपर से यहाँ पर मैंने छोटे छोटे और भी काइट्स बनाए हुए हैं और इस पे थोड़ा सा पेंट भी कर दिया है, तो अभी इनको भी दीवार पे चिपका देंगे। डन। अभी यहाँ मेरे पास ऊल है, इसको मैं पतंग के धागे की तरह यूज करूंगी। यहाँ मैं सेलो टेप की मदद से धागा को पतंग से चिपका रही हूँ। डन। और ये देखिए, यहां मैंने एक कोने में सारे धागे को लेके एक जगह पे चिपका दिया है ताकि ऐसा लगे जैसे कि एक ही साइड से सारी पतंगे उड़ रही हैं। और ये देखिए कैसे बिना खर्चे से दीवार एकदम लाइवली हो गया। नेक्स्ट मैं यहां से अनयूज्ड प्लांटर्स को निकाल रही हूं और इसको रीअरेंज कर रही हूं। अगेन मेरे पास जो पेबल्स हैं, जो मैंने बहुत सारे मेकओवर वीडियोस में यूज़ किए हैं, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ।
डन। मेरे पास कुछ वाइट स्टोन्स भी है, अभी इनको भी बॉर्डर्स में इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े और पेबल, और ये देखिए यहाँ पे फ्लोर पे प्लांटर्स के साथ ये बॉर्डर काफी प्यारा दिख रहा है। सो द मेकओवर इज डन एंड लेट्स स्टार्ट विद द टूर नाउ। तो हम इस कोने से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने ये बड़े डालिए के पौधे लगाए हैं, ये मैंने बल्ब लाके लगाए थे तो अभी ये इतना बड़ा हुआ है, इसको मैं रिपॉट करने वाली हूँ। तो जब ये बड़ा हो जाएगा इसके लिए 1-2 महीने लगेंगे, उसके बाद मैं एक दूसरा गार्डन टूर का वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर देखना। और इधर कुछ ये छोटे छोटे प्लांट्स है, इसको भी मैंने प्रोपेगेट किया हुआ है तो इसको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे डालिया के प्लांट लगाए हैं, ये रेड कलर का है, एक प्लांटर में मैंने 2-2 प्लांट्स लगाए हैं और ये काफी अच्छे से बड़े होके आ गए हैं। यहाँ पे रेड है, ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे येलो खिले हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने पिटूनिया लगाया है, ये भी मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का पिटूनिया लगाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए पिंक है, पर्पल भी है, ये लाइट पिंक है, यहाँ पे रेड है, तो काफी सारे ढेर सारे फूल आ गए हैं इसमें ऑलरेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहे हैं। और ये देखिए लास्ट में यहाँ पर मैंने गेंदे का फूल लगाया है, ये छोटा वाला गेंदा है तो आप इसे पूजा में भी यूज कर सकते हो, पर मैंने तो बस डेकोर के लिए लगाया है क्योंकि मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था मेरा, ये थोड़े बहुत पौधे मेरे गार्डन में जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी मैं अंदर से चाय पीती हूँ या यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा गार्डन जो है फुल ऑफ कलर है अभी। तो ये है मेरे पौधे। अभी आते हैं इस दीवार पे जिसको मैंने अभी अभी कलरफुल किया है, ये देखिए ढेर सारे पतंग उड़ रहे हैं। तो अंदर से आप जब भी अभी चाय पियो तो आपको दीवार में प्यारा सा कलर दिखता है और ऐसे पतंग उड़ते हुए दिखते हैं। इसमें मैंने सारे कुछ फनी कोट्स लिखे हैं, कुछ ऐसे ही कोट्स लिखे हैं और कुछ मेरे नाम, जो भी मुझे पसंद आया बस मैंने ऐसे ही बना दिया। बहुत ही क्विक मेकओवर था, आधे घंटे में ही बन गया एंड इट लुक्स गुड। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा वही वाला सोफा है, या सोफा बोलो जो भी बोलो, ये वही वाला सोफा है जो मैंने लास्ट वीडियो मेकओवर में बनाया था। बिल्कुल $12 खर्चे हुए थे इसके लिए और ये प्यारा सा बन के रेडी हो गया था। आराम से इसमें 2-3 जन बैठ सकते हैं और काफी ड्यूरेबल है ये, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो अभी बारिश हो रही है तो हम ज्यादा टाइम यहाँ पे बैठते नहीं है, तो मैंने इसका कवर नहीं हटाया है, पर जब भी मैं कवर हटाऊंगी होपफुली जो नेक्स्ट मेकओवर वीडियो आएगा उसमें, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इस बार इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे ये जो है अपना आइस बॉक्स पड़ा है ऐसे, क्योंकि घर के अंदर नहीं रखा है। थोड़े बहुत सामान और है जो कि मेरे नेक्स्ट मेकओवर में यूज होंगे। फिलहाल तो मैं जस्ट प्लांट्स और ये दीवार का मेकओवर करी हूँ, दैट इज द मोटो। और ये देखिए यहाँ पे ये मिट्टी लाके मैंने ऑलरेडी रख दिया है, जो कि मैं वो बड़े पौधे रीप्लांट करूंगी इस मिट्टी से। तो इस कोने में मैंने मेरा सारा सामान रखा हुआ है अभी, तो होपफुली ये सारे जब अरेंज हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। सो दैट वॉज ए क्विक गार्डन टूर ऑफ माइन। आपने देखा कैसे बहुत ही जल्दी, बिल्कुल आधे घंटे में मैंने ये वॉल का मेकओवर भी कर दिया और ये मेरे सारे प्लांट्स काफी प्यारे भी दिख रहे हैं। तो आप भी ऐसे बहुत कुछ बना सकते हो, बस थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी का यूज करो और जो मन करे वो करो। और ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगी आप सभी को मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।